सभी को नमस्ते। परसों मैंने एक आइसक्रीम की रेसिपी डाली थी, अगर आप लोगों को याद हो तो आज मैं उसी आइसक्रीम के कुछ दो फ्लेवर बनाए थे मैंने। एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाया है और एक चॉकलेट फ्लेवर बनाया है। तो उन दो आइसक्रीम्स के फ्लेवर को लेकर आज हम आइसक्रीम संडे बना रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक तो मैं सबसे पहले बारीक कटे हुए कुछ फ्रेश फ्रूट्स हैं जो मैं उसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो फिलहाल ये है मेरे पास कुछ स्ट्रॉबेरीज, ये कुछ मैं डाल रहा हूँ ग्रीन ग्रेप्स, कुछ ब्लैक ग्रेप्स हैं, मैंगो थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ मैं उसमें, ये रेगुलर मैंगो था जो मैंने लाया था। बाद में कुछ मैं इसके साथ कीवी है जिसका हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा। आप मन चाहे फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, जो भी फल आपको डालने हैं, ड्राई फ्रूट्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके साथ थोड़ा फ्रेश फ्रूट का मैंने स्ट्रॉबेरी का सॉस बनाया था, तो वो सॉस मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ इसमें। आप लोग जैम भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा इसमें, आप चाहे तो जैम भी टेस्ट बहुत अच्छा देता है। चॉकलेट का सॉस हमने बनाया है वो भी थोड़ा सा मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। चॉकलेट के लिए चाशनी बनाई थी मैंने, और अच्छी चाशनी बनाकर उसमें मैंने कोको पाउडर कॉफ़ी का यूज़ करके सॉस बनाया है। हल्का सा बटर डाल दिया है तो उसमें शाइन बहुत अच्छा आया है सॉस में। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर मैं आइसक्रीम डाल रहा हूँ 2 स्कूप। फिलहाल ये मैं अभी फ़िलहाल 1 स्कूप डाल रहा हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो घर में ही बनाई है मैंने। स्ट्रॉबेरी को क्रश करके उसका सॉस बना के उसका यूज़ किया है इसमें। स्ट्रॉबेरी के साथ और 1 स्कूप डाल रहा हूँ मैं चॉकलेट आइसक्रीम का। अब इसके ऊपर हम लोग सॉस यूज़ करेंगे, ये मैं चॉकलेट सॉस डाल रहा हूँ थोड़ा सा। चॉकलेट के साथ मैं थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ चॉकलेट की वर्मिसिली, उसके साथ यूज़ कर रहा हूँ थोड़े से चॉकलेट चिप्स, चोको चिप्स, ये मिल्क चॉकलेट वाले चोको चिप्स हैं। बाद में मैं एक स्ट्रॉबेरी के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रॉबेरी का सॉस, और इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए स्ट्रॉबेरीज हम डालेंगे फ्रेश वाले जो दिखने में अच्छे दिखते हैं बिल्कुल। यह है संडे आइसक्रीम, आइसक्रीम संडे जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें आप मनचाहे फ्रूट्स, मनचाहे फ्लेवर्स यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास 2 फ्लेवर थे तो चोको और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैंने यूज़ किया है। दोनों आइसक्रीम का बेस एक ही था जो मैंने यूज़ किया है, अल्जिनेट बेस है जो मैंने यूज़ किया है इसमें, और फ्रूट्स जितने भी आप डालेंगे अच्छा ही है। वो ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये आप फ़िलहाल तो मैंने ऐसे प्लेट में किया है, प्लेटर में, आप इसको ग्लास में भी बहुत सुंदर दिखता है दिखने में, ग्लास में भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूर करके देखिए। हैप्पी कुकिंग।